नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीए देवेश ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। यह है गाइस हमारी DGFT की वेबसाइट IEC यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हमारा एक की बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये IEC हमारा DGFT के थ्रू ग्रांट किया जाता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। यह गाइस उसका होम पेज वेबसाइट का, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने IEC के लिए। अप्लाई फॉर IEC पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई के बाद आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे एज आप इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अदर ऑप्शंस भी हमारे को अवेलेबल हैं। इन नॉर्मल सिनेरियो हम इंपोर्टर एक्सपोर्टर पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सिटी। लास्ट में आप वेरिफिकेशन कोड और आप रजिस्टर करेंगे बाय एग्रीइंग दी टर्म्स एंड कंडीशन। आप इस टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड आउट करके इसको एग्री कर सकते हैं। देन सेंड OTP, आप इसको वेरीफाई करेंगे और इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने इसी DGFT के पोर्टल पे आप लॉग इन करेंगे बाय एंटरिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। वेरिफिकेशन कोड आप डालेंगे और लॉग इन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा फॉर दी पर्टिकुलर SSC। यहाँ पे आप लिंक भी कर सकते हैं योर एग्जिस्टिंग IEC और अप्लाई फॉर न्यू IEC टू अवेल दी फर्दर सर्विसेज। अप्लाई IEC पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई IEC के बाद यहाँ पे आप ड्राफ्ट एप्लीकेशन या फिर इधर से न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लिया था बट उसमें कुछ चेंजेस पेंडिंग थे तो हमने इसको फिर से कंटिन्यू करना है, तो इसी ड्राफ्ट एप्लीकेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप एक फ्रेश एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप इधर क्रिएट न्यू पे जाएंगे और इधर एक नई एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। ये हमने क्रिएट करी थी 18th of January को और लास्ट अपडेट हमने किया था 20th of January को। अब हम इसको एज ऑन 8th of February को ओपन कर रहे हैं। एप्लीकेशन नंबर हमारा सेम रहेगा। एक्शन पे जाके हम इसे एडिट करेंगे और क्लिक करेंगे प्रोसीड विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे। अब गाइस हमारा जो IEC की एप्लीकेशन है ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 स्टेप में चलेंगे। ये 6 स्टेप्स को हम कंप्लीट करेंगे 1 by 1। और इस IEC के लिए मैं आपको दो बातें बता दूं। जो गवर्नमेंट पेमेंट है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए DSC की रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ मैंडेटरी नहीं है। आप अपने आधार बेस्ड इसको फाइल कर सकते हैं IEC को। अगर कोई कहता है कि IEC के लिए DSC मैंडेटरी है तो ऐसा नहीं है। आप अपने आधार बेस्ड यूज़ करके इस IEC को अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको इंस्टेंट मिलता है गाइस। इंस्टेंट IEC आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई पीरियड का वेट नहीं करना है, नॉट फॉर अ सिंगल डे ऑल्सो। ये आपको इंस्टेंट, जैसे ही आप इसको पे करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, ये आपको ऑन द स्पॉट अपना IEC इशू करके दे देगा। फर्स्ट स्टेप में गाइस हमने जनरल इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन और अबाउट योर सेल्फ। नेचर ऑफ कंसर्न में हमारे इस केस में हम HUF के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप अगर इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, आप एज़ पर योर कॉन्स्टिट्यूशन इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे, पैन नंबर आ जाएगा, नेम एज़ पर पैन, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं। नाउ वेदर द फर्म इज़ लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर आप SEZ में लोकेटेड हैं तब आप यस करेंगे, अदरवाइज आपने नो पे टिक करना है। देन गाइस वेदर द फर्म इज़ लोकेटेड इन EOU स्कीम, EOU है जहाँ पे हमारी सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स लोकेटेड रहती हैं जिनमें सारा का सारा हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप एक ऐसी यूनिट हैं या फिर आप एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में
स्कीम के अंडर आते हैं या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आते हैं या फिर बायो टेक्नोलॉजी पार्क, ये स्कीम्स जो हैं हमारी, जिनमें हम मैक्सिमम और ऑलमोस्ट 100% एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते तब आपने यस करना है, अदरवाइज आपने नो पे टिक करना है। देन है गाइज आपका सिन इन केस ऑफ कंपनी और GSTN नंबर आप इधर मेंशन करेंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा GSTN है तब आप उस स्टेट का करेंगे जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं। फर्म मोबाइल नंबर, फर्म ईमेल आईडी, ये दोनों ही आप डबल चेक करके एंटर करें, कोई स्पेलिंग एरर ना करें। देन है गाइस प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द गिवन एंटिटी। दिस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इज मैंडेटरी फॉर पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ट्रस्ट, HUF एंड अदर्स। हमने यहाँ पे टैन नंबर और GST सर्टिफिकेट अपलोड किया है। यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 अटैचमेंट कर सकते हैं और 5 MB ईच। ओनली PDF आर अलाउड फॉर द पर्पस ऑफ एंटिटी। हमने 10 नंबर और GST सर्टिफिकेट अपलोड किया है इस HUF का। जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड फेज़ पे, जहाँ पे हमने डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर और डायरेक्टर की डिटेल मेंशन करनी है। हमारा केस HUF का है तो हम यहाँ पे कर्ता की डिटेल मेंशन कर रहे हैं। 10 नंबर इन केस ऑफ कंपनीज एप्लीकेबल रहेगा। अगर डायरेक्टर एक फॉरेन नेशनल है तो आप इस पर टिक करेंगे। पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, टाइटल, नेम, फादर्स नेम, ये सारी आप डिटेल्स ऑफ कर्ता या फिर डायरेक्टर या पार्टनर इस दर मेंशन कर देंगे। इन डिटेल्स के बाद आपने एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, स्टेट, ये सब आप उस कर्ता की डिटेल्स पे सारी की सारी एज पर दी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स आप इधर मेंशन करेंगे। देन गाइस बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल में इधर अकाउंट नंबर आ जाएगा, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, आपका बैंक आप सेलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन से, ब्रांच नेम, क्या ये अकाउंट आपका प्राइमरी अकाउंट है या आप क्लिक करेंगे इस पर। बैंक अकाउंट डिटेल्स आर इलेक्ट्रॉनिकली वैलिडेटेड थ्रू द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS के थ्रू आपके अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट होगा जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। यू मे हाउएवर सबमिट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ फर्म्स बैंक अकाउंट। दिस डॉक्यूमेंट कैन बी प्री प्रिंटेड कैंसिल चेक और बैंक सर्टिफिकेट एज पर द परफॉर्मा स्पेसिफाइड। परफॉर्मा गाइस आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। हमने यहाँ पे कैंसिल चेक और बैंक सर्टिफिकेट ये दोनों अपलोड करे हैं। तीसरा फेज जो हमारा बैंक डिटेल्स का था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ इन फोर्थ स्टेप गाइस अदर डिटेल्स प्रेफर्ड सेक्टर्स ऑफ ऑपरेशन। अगर आप सिर्फ एक एक्सपोर्टर हैं, जो कि हमारे केस में HUF सिर्फ एक्सपोर्टर था तो हमने सिर्फ एक्सपोर्ट पे क्लिक करा है। अगर आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर रहे हैं तो आप दोनों लिखेंगे। एक्सपोर्ट के केस में अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से आपको जो ड्रॉप डाउन अवेलेबल रहेंगे ऑप्शन, तो उसमें से सेलेक्ट करना है। अगर आपको अपना सेलेक्टेड नहीं मिलता है तो नियर बाई, नियरेस्ट टू योर गुड्स और सर्विस, आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब गाइस फिफ्थ स्टेप आता है हमारा डिक्लेरेशन का। आपकी ये ड्राफ्ट एप्लीकेशन हर स्टेज पे सेव होती रहेगी। इन केस आप इसको बाद में भी एडिट करना चाहते हैं तो ये हो सकती है। डिक्लेरेशन अब आप सबमिट करेंगे, ये सारी डिक्लेरेशन आप इसे रीड आउट करेंगे टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, ये सब ठीक है, आप इस पर टिक करेंगे, प्लेस डेट एंड इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले एक मैसेज आपको पॉपअप होगा, वन साइंड यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द एप्लीकेशन, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू साइन द एप्लीकेशन। साइन के लिए आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, आप अपने आधार बेस्ड OTP से भी कर सकते हैं। यह है गाइस साइन के हमारे पास दो ऑप्शन, आधार बेस्ड e-sign और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। हम आधार बेस्ड कर रहे हैं हमारे इस केस में। अगर आपके पास डिजिटल अवेलेबल है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। डो नॉट क्लिक बैक और रिफ्रेश बटन, क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू विल टेक यू टू द एक्सटर्नल वेबसाइट फॉर ऑथेंटिकेशन। अब आप इधर क्लिक करेंगे, बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स आई हेयर बाय गिव माय कंसेंट फॉर यूजिंग eKYC सर्विस डाटा फ्रॉम आधार फॉर द पर्पस ऑफ साइनिंग सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड जनरेटिंग डिजिटल सिग्नेचर। आप अपने आधार के थ्रू इस सर्टिफिकेट को, इस एप्लीकेशन को साइन करेंगे।
यहाँ पे आपने अपना आधार नंबर मेंशन करना है, देन आधार ओटीपी, आप अपना ओटीपी एंटर करेंगे, इस डिक्लेरेशन को आपने कंफर्म करना है एंड फाइनली सबमिट। सबमिट करने के बाद एक मैसेज पॉपअप होगा, डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, यू मस्ट क्लिक ओके। अब आप इस ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद गाइस, एज पर द फॉर्म ANF2K के, यू हैव टू पे अ सम ऑफ ₹500 फॉर एप्लीकेशन फॉर IEC। IEC की जो ऑफिशियल फीस है दैट इज़ ₹500, आप पेमेंट पे प्रोसीड कर जाएंगे। पेमेंट्स मेड फ्रॉम कॉरपोरेट अकाउंट्स रिक्वायर एडिशनल अप्रूवल फ्रॉम बैंक पोर्टल। अगर कोई कॉरपोरेट अकाउंट से पेमेंट की गई है तो उसका बैंक अप्रूवल चाहिए, और इट मे टेक, ज़रूरी नहीं है कि 1 से 7 दिन लगेंगे, इट मे टेक 1 to 7 days टू रिफ्लेक्ट इन द सिस्टम बेस्ड ऑन व्हेन द अप्रूवल इज़ गिवन फ्रॉम द चेकर अकाउंट। यहाँ पे आप अपना कंफर्मेशन चेक कर लेंगे, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड द अमाउंट, देन यू विल प्रोसीड। पेमेंट मोड ऑनलाइन, ये डिपॉजिटर्स की डिटेल आ जाएगी गाइस, फॉर द पर्पस आप किस चीज़ के लिए इसको पेमेंट कर रहे हैं DGFT को, ये यहाँ पे आप मेंशन है। आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ द एप्लीकेशन फीस जो कि एक वन टाइम है 500। आप इसे कंफर्म करके आगे बढ़ जाएंगे। कंफर्म करने के बाद गाइस, पेमेंट गेटवे में आप अपना रिस्पेक्टिव बैंक सेलेक्ट करके, इधर फ्रॉम नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI पेमेंट, आप इसको पे कर सकते हैं। बिफोर आप पे करें, आफ्टर यू क्लिक ऑन पे बटन, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ सिक्योर गेटवे जो कि आपका पेमेंट गेटवे। अगर आपने SBI सेलेक्ट करा तो ये SBI की वेबसाइट पर आपको रीरूट कर देगा। प्लीज़ वेट एंड डू नॉट प्रेस बैक और रिफ्रेश बटन फॉर योर ब्राउजर व्हाइल योर ट्रांजेक्शन इज बीन प्रोसेस्ड। डिस्क्लेमर क्या है गाइज, इन केस यू डू नॉट रिसीव ट्रांजेक्शन स्टेटस एज सक्सेस और फेलियर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेप्स इन पेमेंट प्रोसेस, देन वेट फॉर 30 मिनट्स एंड चेक द स्टेटस ऑफ योर ट्रांजेक्शन यूजिंग द ट्रैक योर पेमेंट। आप ट्रैक योर पेमेंट से अपना ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक कर सकते हैं, लिंक ऑन द भारत कोश होम पेज। इफ़ द स्टेटस ऑफ योर ट्रांजेक्शन इज शोन एज फेल रेफरेंस, देन प्रोसीड टू री इनिशिएट अ ट्रांजेक्शन फॉर द सेम पर्पज अगेन। अगर आपके ट्रांजेक्शन के आगे फेल रेफरेंस लिखा है, डेट मीन्स आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो गई है और आपको अपनी पेमेंट को फिर से री इनिशिएट करना पड़ेगा, फिर से पे करना है। इन द केस द अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट फॉर द फेल रेफरेंस केस, देन यू कैन एक्सपेक्ट द रिफंड टू बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट इन 3 to 5 working days। अगर डेबिट हो गया है आपका ₹500 और फेल रेफरेंस आया है अंडर द स्टेटस, आप 3 to 5 वर्किंग डेज अवेट करें, आपका वापस इसको क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट। और अगर फेल रेफरेंस है तो आपको फिर से पेमेंट को इनिशिएट करना है, ठीक है गाइस, देन आप इसको पे कर देंगे। पे करने के बाद वापस आप अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे, माय डैशबोर्ड, सबमिटेड एप्लीकेशन, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। शोइंग रिजल्ट फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस, IEC एप्लीकेशन सब प्रोसेस, अप्लाई फॉर IEC फ्रॉम इतना टू इतना, इस पीरियड में हमने चेक किया, हमारा ये IEC अप्लाई हो गया एंड द नंबर इज दिस, फाइल नंबर इज दिस, डेट एंड टाइम, पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल, ये आप चेक करके आगे बढ़ेंगे। देन गाइज, IEC स्टेटस, IEC आपको इशू हो गया है, IEC स्टेटस वैलिड, डेल स्टेटस एंड CBIC स्टेटस एक्नॉलेजमेंट अवेटेड, ये आपका जब तक पेमेंट कंफर्मेशन नहीं आती ये अवेटेड रहेगा, उसके बाद ये आपका सक्सेसफुली शो करेगा। देन गाइज, ये है हमारा DGFT का फॉर्म जो हमने सबमिट करा है, ये उसके पूरे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की, एंड फाइनली आपका ये सर्टिफिकेट इशू हो गया है, IEC सर्टिफिकेट, दिस इज़ टू सर्टिफाई डैट पार्टी का नाम इज़ इशूड एन IEC, ये आपका जो कोड होता है डैट इज़ योर पैन नंबर विद डिटेल्स एज फॉलो, IEC नंबर, पैन, फर्म नेम, नेचर ऑफ कंसर्न, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू आ जाती है आपकी, रजिस्टर्ड एड्रेस, नेम ऑफ द सिग्नेटरी, डायरेक्टर, पार्टनर्स, रेफर ऑनलाइन, आप इसको स्कैन कोड को भी कर सकते हैं,
ये आपका IEC का QR कोड है जिससे आप वेरीफाई करवा सकते हैं किसी को, लास्ट मॉडिफाइड एंड योर फाइल नंबर। ये है गाइस हमारा IEC का प्रोसेस, कैसे आपने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को अप्लाई करना है एंड इसको एनुअली आपने रिन्यू भी करना है, उसको अपडेट करना है, कैसे आपने अपना IEC अपडेट करना है उसकी हमारी एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक और वीडियो का स्क्रीनशॉट आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, सजेशन है, फीडबैक है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।